हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट में जो डिफरेंट टाइप का फैन यूज होता है उनमें से सेंट्रीफ्यूगल फ्लो टाइप फैन के बारे में। तो इसका ऊपर ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। जनरली एक सेंट्रीफ्यूगल फ्लो टाइप फैन तीन प्रकार का होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं किन किन प्रकार का होता है। ओके, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फ्लो फैन कितने प्रकार का होता है? ये जनरली तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स। ओके, तो नंबर वन में रेडियल ब्लेड फैन, नंबर टू में फॉरवर्ड कर्व ब्लेड फैन। ओके, नंबर थ्री में, तीन नंबर में क्या होगा, सॉरी नंबर थ्री में क्या होगा, न बैकवर्ड कर्व ब्लेड फैन। तो अभी ये जो तीनों फैन है इसका बारे में हम लोगों थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम लोगों डिस्कशन करेंगे रेडियल ब्लेड फैन के बारे में। ये एक सिंपल सा डायग्राम है रेडियल ब्लेड फैन, जिसमें एयर जो है वो इन यहाँ पे करता है और आउट यहाँ से होता है। ओके, तो ये जो ब्लेड है ये रेडियली है, तो इसीलिए इसको रेडियल ब्लेड फैन कहा जाता है। रेडियल ब्लेड फैन का इम्पोर्टेंट है कि इसको इंडस्ट्री में काम करने का घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्टैटिक प्रेशर यानी कि अप टू 1400 mm WC प्रेशर में भी काम करता है। साथ में जो डस्टी एयर स्ट्रीम है उसको इजीली ये हैंडल कर सकता है। उसके साथ साथ एक रेडियल ब्लेड फैन का सिंपल डिजाइन होने के कारण से जहाँ पे एनवायरनमेंट हाई टेम्परेचर रहता है और ब्लेड स्पीड मीडियम ब्लेड टिप स्पीड रिक्वायरमेंट होता है, उस जगह पे रेडियल ब्लेड फैन को बहुत इजीली यूज किया जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स था एक रेडियल ब्लेड फैन के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे फॉरवर्ड कर्व फैन के बारे में। ये एक सिंपल सा डायग्राम है फॉरवर्ड कर्व फैन का, जहाँ पे जो एयर इन होता है इसका सेंटर में और आउट यहाँ पे होता है। इसका जो ब्लेड है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि जिस डायरेक्शन में एयर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की तरफ एंगल किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोगों कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉरवर्ड कर्व फैन के बारे में जानेंगे। एक फॉरवर्ड कर्व फैन सुइटेबल होता है बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो भी होना चाहिए। ओके, और ये बहुत ही सुइटेबल होता है लो प्रेशर एग्निस्ट में हाई वॉल्यूम का एयर फ्लो करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं नंबर थ्री यानी कि बैकवर्ड कर्व फैन के बारे में। ये है एक सिंपल डायग्राम बैकवर्ड कर्व फैन का, जिसमें एयर इन होता है सेंटर में
आर आउट यहाँ पे होता है। ये जो ब्लेड है इसका एंगल बैकवर्ड यानी कि पीछे तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में एयर मूव करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एंगल रहता है। ओके, तो ये है एक बैकवर्ड कर्व फैन का सिंपल सा डायग्राम। तो चलिए अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स जानते हैं एक बैकवर्ड फैन के बारे में। एक बैकवर्ड कर्व फैन फॉरवर्ड कर्व फैन से हाईली इफ़िशियंट होता है। ओके, उसके साथ साथ ये फैन का एक खासियत है, जब हम बैकवर्ड कर्व फैन को स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग में इसका जो मैक्सिमम करंट है उसको लेता है। फिर क्या होता है ना, जो प्री डिटरमाइंड लोड यानी कि जितना लोड या जितना एयर फ्लो आप सेट किए होंगे उसके हिसाब से ये फिर से उसका नॉर्मल करंट को आ जाता है। ओके, यानी कि उसका करस्पॉन्डिंग लोड है उसके हिसाब से कितना करंट रहना चाहिए वो उतना तक आ जाता है। ओके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एक बैकवर्ड कर्व फैन का बारे में कि ये नॉन ओवरलोडिंग टाइप फैन होता है, यानी कि स्टैटिक प्रेशर चेंज होने के साथ साथ मोटर ओवरलोडिंग नहीं होता है। किसमें? बैकवर्ड कर्व फैन में। तो ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि स्टैटिक प्रेशर डिफरेंट टाइप लोड वेरिएशन होने के साथ साथ वो भी वेरी होते रहता है, सिस्टम के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक पावर प्लांट में जो सेंट्रिफ्यूगल फ्लो टाइप फैन यूज होता है वो कितने प्रकार का है उसका ऊपर में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिल गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपका अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।